अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर अशरफ। आप देख रहे हो अहमद फैमिली टीवी अपना। आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी। 2006 में मैंने बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद मेरे घर के पास ही एक दफ्तर था। वो मालिक मुझे जानता था क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था ग्राउंड में जाके, तो वो अक्सर मुझे वहाँ पे देखता था। उसका नाम मुझे भूल गया यार, लेकिन ये 2006 की बात है। फिर ऐसा हुआ कि मैं एक दिन, रमज़ान के दिन थे, रोज़े थे, तो मैं जनाब चला गया शाम का टाइम था, लोग तरावियां पढ़ने जाते हैं, मैं भी चला गया। वो साहब शायद तरावियां नहीं पढ़ता था। अब मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे जानता था। अब मैं अंदर चला गया तो वो बैठा हुआ था ऑफिस में, अकेला ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा सर, मुझे नहीं पता था ये मालिक है। तो मैंने उसे कहा सर, मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूँ। तो उसने कहा इस तरह मिलती हैं नौकरियाँ, ऐसे मिलती हैं नौकरियाँ। मैंने कहा जी ये तो आपको पता होगा कैसे मिलती हैं। उसने मुझसे चार छः बातें पूछी। तब मेरा बीकॉम का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उसने मुझे कहा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। मैं कहा जी डेबिट ये होता है, क्रेडिट ये होता है। उसने कहा सुबह से काम पे आया ना। मैं काम पे चला गया, रोज़े थे, सुबह जाता था 9 बजे, रात को 8-7 बजे छुट्टी देते थे। एक अकाउंटेंट था, एक मैं था। अब जनाब वक्त गुजरता गया, उनका एक वेल्डिंग का स्टोर था, मतलब वेल्डिंग की दुकान भी थी, और वो लोग लगाते थे पेनाफ्लेक्स, लगाते थे रोड्स के ऊपर बैनर लगाते थे। उस वक़्त लेक सिटी बन रही थी और लेक सिटी लाहौर रायबंद के पास, मालिक ने मुझे कहा कि तुम जाओ वेल्डरों के साथ और वहाँ जाके बोर्ड लगाने हैं रोड के ऊपर इस लेक सिटी में। हम चले गए, मुझे वो दिन नहीं भूलता। रात थी, रोड के ऊपर सुनसान रोड, हर तरफ गांव ही गांव, मतलब सुनसान, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पे हम बोर्ड लगा रहे हैं, वो लड़के बोर्ड लगाते थे, मैं बैठा हुआ था पास। तो कभी कोई की आवाज़ आए, कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आए। हमारे पास फ़ोन्स भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, बैठे हुए हैं बस। पूरी रात गुजर गई ऐसे ही बैठे बैठे। जब मैं सुबह, हम निकले, नाश्ता किया, मैं घर पहुंचा, तो घर में मेरे बड़ा रोला पड़ गया, भाई ये रात को घर नहीं आया, किधर गया है? तो स्यापा पड़ गया। तो मेरे घर वालों ने कहा कि अब नौकरी नहीं करना, बस। उन दिनों में रोज़े ख़त्म हो चुके थे, पहली तनख्वाह मुझे मिली 2500 और 500 उन्होंने मुझे ईदी दी, एक सूट दिया मुझे, मर्दाना सूट बग़ैर सिला हुआ, और मैं बड़ा खुश। लेकिन मैंने जो अगले 15 दिन लगाए, मैंने उसके पैसे नहीं लिए। और मैंने जिस दिन नौकरी छोड़ी, मैं सुबह गया, मैंने पेपर पे लिखा अस्सलाम वालेकुम सर, मैं और नहीं कर सकता, थैंक यू। वो जाके मैं गार्ड को पकड़ा आया। जब मालिक आया तो उसने कहा कि, गार्ड से कहा कि जाओ उमर को बुला के लाओ। तो मेरे वालिद ने कहा कि ठीक है चले जाओ, मैं चला गया। तो मालिक ने मुझे कहा बेटा क्या हुआ, क्यों छोड़ रहे हो? मैं कहा सर मैं नहीं कर सकता। उसने कहा मेरा बेटा 2 घंटे के लिए आ जाएगा, वैसे मेरे साथ गप्पे मार के चला जाएगा, तुझे मैं तनख्वाह दे दूँगा और 4000 तुझे मैं महीना तनख्वाह दूँगा। मैं कहा अच्छा सर मैं सोच के आता हूँ। फिर मैं दोबारा नहीं गया वहाँ। वो रात मुझे नहीं भूलती बॉस, पूरी रात मैं सड़क पे बहुत ज़्यादा ख्वार हुआ था। लाइफ इज़ नॉट ईजी, बट ऑलवेज ऑलवेज बिलीव इन गॉड। अल्लाह पे इतमाद रखें। थैंक यू।